अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की वीडियो भी होने वाली है एमयू के एक और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों इसका नाम है पीजी डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस डिप्लोमा की तमाम डिटेल सिर्फ 3 मिनट के अंदर इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करना, ये कोर्स कोई बहुत हल्का नहीं कि मैं बताऊंगा अभी आपको, इस कोर्स को हर कोई नहीं कर सकता है। तो प्लीज कुछ खास कोर्सेज आपने किए हैं जब भी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आप देखते रहे पूरी वीडियो, वहां मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो के तमाम अपडेट टाइम पर पहुंच सकें। मैं यहाँ लगातार बहुत सारी वीडियो लेके आता रहता हूँ इन कोर्सेज के बारे में, और भी मैं आपको वीडियो दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको इसका फॉर्म भरना है इस बार तो आप फॉर्म भर दीजिए, इसका लिंक अभी ओपन है। 450 आपकी फीस लगेगी 22 जून से 20 जुलाई तक। लेकिन अगर आप 20 जुलाई तक फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप 27 जुलाई तक फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, लेकिन वहां पर आपको 750 रुपए फीस पे करना होगी। 300 रुपए जो है ना वो आपको लेट फी तौर पर इनको देना होंगे। दोस्तों एक साल का ये डिप्लोमा है, 30 सीट्स है, 30 सीट्स आर देयर इन दिस प्रोग्राम। दोस्तों बात करते हैं इसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब हु कैन यू नो अप्लाई फॉर दिस कोर्स इन एएमयू। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, फार्मेसी में, मेडिसिन में और यूनानी मेडिसिन में, जब भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बीए वालों के लिए ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों एज जो है मैक्सिमम 27 साल आपकी होना चाहिए इस कोर्स के लिए, 27 ईयर्स। यू मस्ट नॉट बी मोर देन 27 फॉर दिस कोर्स। दोस्तों इसका जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर आपको जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब ग्रेजुएशन साइंस में किया है आपने, टेक में किया है, फार्मेसी में किया है, उनका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसकी जो मेरिट है, कितनी परसेंटेज आपकी वहां पर आई थी, उसकी बेस पे ही आपको इसमें एडमिशन मिलने वाला है। दोस्तों मैंने एक 2-3 पॉइंट और बहुत अहम है, क्योंकि दोस्तों ये कोर्स जो है एमयू में सीपीसी में चलता है। सीपीसी मतलब सेंटर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये सारे कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस बोर्ड में रन होते हैं। तो यहाँ पर हर एक कैंडिडेट को 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज एडिशनली एमयू को पे करना होंगे इन 2 इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 10,000 वन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो 20,000 रुपए देना होंगे, लेकिन कुछ कोर्सेज में ये फीस और ज्यादा है। और जो कैंडिडेट जिनका एडमिशन यहाँ होगा इन कोर्सेज के अंदर या इस कोर्स के अंदर, उसको हॉस्टल एमयू नहीं देगा, तो आपको बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ेगा। और अगर आप चाहेंगे कि इलेक्शन में कंटेस्ट करें तो आप नहीं कर पाएंगे, और आपको वोटिंग का भी राइट एमयू के इलेक्शन में नहीं होगा अगर आप इन कोर्सेज में सीपीसी वाले कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताई तमाम डिटेल पीजी डिप्लोमा इन क्वालिटी एंड कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में। आई होप सारी डिटेल आप तक पहुंच गई है, वीडियो पसंद भी आपको आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।